अस्सलामुअलैकुम। आज आपको बताएंगे कि धनिया के पत्तों को हम एक महीने तक किस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं और जब ज़रूरत हो यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक पूरा जो बंच होता है कोरिएंडर का वो ले लिया है और इसे अच्छी तरीके से हमने साफ कर लिया है। इसमें जो भी मिट्टी वगैरह होती है और जो ऐसे पार्ट जो हमें नहीं चाहिए वो सब हमने इसमें से निकाल दिए हैं और जितना हमें यूज़ करना है वो हमने यहाँ पे ले लिया है। अब इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। थोड़े थोड़े पत्ते हम लेके इसमें वॉश कर लेंगे। इसमें जो भी मिट्टी है वो सारी मिट्टी इसमें से निकल जाए, एक साथ पूरे पत्ते ना डालें। इसी तरीके से हम इसे सेकेंड वॉश भी करेंगे। ये बहुत अच्छे से वॉश हो चुके हैं। अब हम इसे एक छलनी में रख देंगे, इससे इसमें जो भी पानी है वो निकल जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से हम ये सारे धनिया के पत्ते वॉश कर लेंगे। सारे धनिया के पत्तों को हमने वॉश कर लिया है। अब हम इसे किचन प्लेटफॉर्म पर किचन टॉवल डालकर स्प्रेड कर देंगे। सारा वाटर इसमें से निकल जाए इस बात का आप ख्याल रखें। और हमने इसे किचन टॉवल पर भी इसीलिए डाला है कि इसमें से जो भी थोड़ा बहुत वाटर बचा है वो भी निकल जाए, या तो फिर आप किचन टॉवल के बदले कोई साफ कपड़ा बिछा दें किचन प्लेटफॉर्म पर और उस पे इसे स्प्रेड कर दें अच्छी तरीके से। देखिए जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो निकल चुका है। आप चाहें तो इसे 10 से 15 मिनट ऐसे ही छोड़ दें पैन ऑन करके, और अगर आप थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं तो ऐसे किचन टॉवल इसमें डालकर थोड़ा थोड़ा प्रेस कर दें तो जो भी इसमें वाटर है वो ये एब्जॉर्ब कर लेगा इस तरीके से। बस ये अच्छे तरीके से ड्राई हो चुके हैं। अब इसे हम बारीक चॉप कर लेंगे। इस तरीके से देखिए हमने इसे बारीक चॉप कर लिया है और इसमें वाटर भी नहीं है। हमने पूरा वाटर अच्छे से ड्राई कर लिया था। अब हम इसे ज़िपलॉक जो बैग आते हैं, अगर आपके पास ज़िपलॉक बैग ना हो तो आप जो नॉर्मल प्लास्टिक के बैग होते हैं उसमें भी रख सकते हैं। इसी तरीके से हम ये सारे धनिया के पत्ते चॉप कर लेंगे। सारे धनिया के पत्तों को हमने कट कर लिया है। अगर आपके पास ज़िपलॉक बैग अवेलेबल नहीं है तो इस तरीके के जो बैग आते हैं प्लास्टिक बैग आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हम आपको इसमें भी बता देते हैं कि आप इसमें किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। बस आप इसे एक सिंपली एक लॉट लगा दें यहाँ पे ऐसे इस तरीके से और इसे फ्रीजर में रख दें, या फिर अगर आपकी धनिया के पत्ते की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप उस पर इस तरीके से इसे ट्विस्ट करते हुए एक रबर बैंड लगा दें इस तरीके से, या फिर जो इस तरीके के क्लिप अवेलेबल होते हैं मार्केट में आप वो लगा दें इस तरीके से, और फिर आप इसे स्टोर कर दें फ्रीजर में। हमने ज़िपलॉक बैग में भी धनिया के पत्ते स्टोर किए हैं और ये आपको बताने के लिए हमने इस बैग में भी स्टोर किए हैं। अब इसे हम फ्रीजर में रख देंगे और नेक्स्ट आपको बताते हैं कि इसे हमें किस तरीके से यूज़ करना है और ये किस तरह नज़र आता है। मिलते हैं नेक्स्ट डे। हमारी कोरिएंडर फ्रीज हो चुकी है अच्छी तरीके से। देखिए आपको बता देते हैं, ये देखिए और ये एक दूसरे से बिल्कुल चिपकी हुई नहीं है क्योंकि हमने जब इसे कट किया था तो इसमें जो भी वाटर था हमने उसे ड्राई कर लिया था।
और इसे हम लॉक करके फ्रीजर में रख देंगे। देखिए इसमें से हमें जितनी जरूरत है हम यूज करेंगे इस तरीके से, और इसे हम लॉक करके फिर से फ्रीजर में रख देंगे। इस तरीके से हम धनिया को पूरा 1 महीने तक यूज कर सकते हैं, जब भी हमें जरूरत है। ये बिल्कुल खराब नहीं होता। इस्तेमाल करने के बाद इसे आप फौरन फ्रीजर में रख दें ताकि ये काली ना पड़े, और इसे आप पूरे 1 से 1.5 महीने तक आराम से यूज कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। हमने हर तरीके से कोरिएंडर को स्टोर करके देखा है, लेकिन 3-4 दिन के बाद या तो वो सूखने लगती है या तो खराब हो जाती है, तो फिर हमें इसे फेंकना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से उसे स्टोर करके रखेंगे फ्रीजर में, तो ये पूरे 1 से 1.5 महीने तक आराम से चल जाती है, और आपको कभी भी कोरिएंडर के बिना कोई भी डिश बनानी नहीं पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।